लेते हैं खबर गोरखपुर से है। सपा प्रत्याशी काजल निषाद को आया हार्ट अटैक। आपको जानकारी दे दें कि काजल निषाद की तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया है। लखनऊ के मेदांता के लिए उन्हें रेफर कर दिया गया है। करीब दो दिन पहले उनकी तबियत खराब हुई थी। बताया जा रहा है कि तबियत ज्यादा खराब हो गई थी। काजल निषाद का ECG किया गया है। डॉक्टर्स ने ये कहा है रिपोर्ट गड़बड़ आने पर काजल निषाद को रेफर किया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता दे, सपा प्रत्याशी काजल निषाद को हार्ट अटैक आया। काजल निषाद की तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया है। लखनऊ में मेदांता के लिए उन्हें रेफर कर दिया गया है। करीब दो दिन पहले उनकी तबियत खराब हुई थी। काजल निषाद का ECG किया गया है। डॉक्टर्स की ओर से कहा जा रहा है रिपोर्ट गड़बड़ आने पर काजल निषाद को रेफर किया गया है। तो ये बड़ी खबर, सपा प्रत्याशी काजल निषाद को हार्ट अटैक आया जिसके बाद उन्हें लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है। दो दिन पहले उनकी तबियत ज्यादा खराब हो गई थी और तबियत ज्यादा खराब होने के बाद उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, काजल निषाद की फिलहाल तबियत दो दिन पहले बिगड़ी थी, अब स्थिति कैसी है? देखिए आपको बता दें कि गोरखपुर लोकसभा सदर की गठबंधन प्रत्याशी हैं काजल निषाद, खास तौर से संघर्षशील है और जनता के बीच में लगातार कई महीनों से जा रही है। उनकी 5 तारीख को तबियत खराब होने के बाद उन्हें स्टार हॉस्पिटल बैंक रोड में भर्ती कराया गया, जहाँ कल हालत सुधार न होने के कारण और हालत बिगड़ने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया, जिन्हें कल रात में कार्यकर्ताओं द्वारा उनके परिजनों द्वारा उन्हें मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ ले जाया गया है और वहां कुशल डॉक्टरों के नेतृत्व में उनका इलाज चल रहा है। जी हरेंद्र, भी बताया जा रहा है कि रिपोर्ट गड़बड़ आने पर काजल निषाद को रेफर किया गया है। जी आपको बता दें कि हालत में सुधार नहीं हुआ, रिपोर्ट सुचारू रूप से सही नहीं आया जिसके कारण उन्हें यहाँ से रेफर कर दिया गया। फिलहाल मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स का क्या कहना है हरेंद्र, अभी फिलहाल तबियत ठीक है उनकी? मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में है और रही बात उनके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के लिए अभी किसी तरह की जानकारी लखनऊ से नहीं उपलब्ध हो पाई है। फिलहाल यही जानकारी मिली है कि कुशल डॉक्टरों के नेतृत्व में उनका इलाज चल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे ने भी जानकारी दी कि मेदांता अस्पताल में फिलहाल उनका इलाज चल रहा है, डॉक्टरों की एक टीम उनका इलाज कर रही है। फिलहाल उनके स्वास्थ्य को लेकर अभी कोई जानकारी डॉक्टरों की ओर से नहीं दी गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि तबियत ज्यादा खराब होने के कारण उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया।